नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को धता बताते हुए उत्तर कोरिया के हथियार परीक्षण का सिलसिला जारी है। रविवार को उत्तर कोरिया ने शक्तिशाली हाइड्रोजन बम के परीक्षण का दावा किया तो दुनिया भर में खलबली मच गई। इससे पहले थर्मो न्यूक्लियर हथियार दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास थे। कुछ और देशों का दावा है कि उनके पास थर्मो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तकनीक है, लेकिन हाइड्रोजन बम का परीक्षण इन देशों ने नहीं किया है। उत्तर कोरिया के परीक्षण की दुनिया भर में निंदा हो रही है और जिस तरह बीते कुछ साल से उत्तर कोरिया खतरनाक परमाणु हथियारों की होड़ में लगा हुआ है, उससे वैश्विक शांति पर भी खतरा मंडराने लगा है। विशेष में आज हम बताएंगे उत्तर कोरिया के परीक्षण पर क्या कह रही है दुनिया, क्या है हाइड्रोजन बम और क्यों इसे परमाणु हथियार से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि उत्तर कोरिया के पास इस वक्त हथियारों का कितना जखीरा है और दुनिया में किन किन देशों के पास घातक हथियार हैं और कौन कौन से वो घातक हथियार हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण के दावे की दुनिया भर में निंदा हो रही है। ब्रिक्स देशों ने इसकी निंदा करते हुए परमाणु हथियारों के मसले को बातचीत से सुलझाने की बात कही तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी परीक्षण की निंदा की और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर अस्थिरता पैदा करने वाला बताया। भारत ने कहा है कि उत्तर कोरिया को इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया की शांति और स्थायित्व को प्रभावित करता है और इसके साथ साथ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने बेहद आक्रामक अंदाज में इस परीक्षण की निंदा की है। दक्षिण कोरिया के मौसम विज्ञान एजेंसी के निदेशक मीडिया के सामने उत्तर कोरिया में आए जबरदस्त भूकंप का जिक्र कर रही हैं। उनका दावा है कि ये कृत्रिम भूकंप था। दक्षिण कोरिया और जापान समेत कई देशों की एजेंसियों का मानना है कि ये कृत्रिम भूकंप उत्तर कोरिया के छठे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण का नतीजा है। 먼저 6차 북한 인공지진 발생 현황부터 말씀드리겠습니다. 발생 시각은 9월 3일 금일 12시 29분 경이고요. 발생 위치는 함경북도 길쭉은 풍계리 인근 지역입니다. 규모는 저희가 분석한 규모로는 5.7이 되겠습니다. इससे कुछ देर पहले उत्तर कोरिया ने अपने सरकारी समाचार चैनल पर हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा किया। केआरटी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कुछ तस्वीरों को जारी किया। तस्वीरों में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को हाइड्रोजन बम का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया। कुछ और तस्वीरों में किम जोंग उन को परीक्षण से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए देखा जा सकता है। केआरटी के मुताबिक हाइड्रोजन बम का परीक्षण सफल रहा। 대륙간 탄도 로켓 장착용 수소탄 시험에서 완전 성공. उत्तर कोरिया के इस दावे के बाद दुनिया में चिंताएं बढ़ गईं। मिसाइल परीक्षणों को लेकर पहले से ही अमेरिका और बाकी देशों के निशाने पर रहा उत्तर कोरिया एक बार फिर आलोचना का केंद्र बन गया। दक्षिण कोरिया और जापान ने तुरंत कड़ा विरोध जताया। उत्तर कोरिया में फौरन राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की बैठक बुलाई गई। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया के शीर्ष नेतृत्व से फोन पर बात की और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दक्षिण कोरिया ने भी अमेरिका और जापान के साथ मिलकर उत्तर कोरिया पर दबाव जारी रखने की बात कही। उधर अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर बड़े सैन्य हमले की चेतावनी दी है। हाइड्रोजन बम के परीक्षण के दावे के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और कहा कि अमेरिकी क्षेत्र या उसके सहयोगी देशों पर किसी भी तरह की कार्रवाई के बदले उत्तर कोरिया पर बड़ा सैन्य हमला किया जा सकता है। Any threat to the United States or its territories, including
Guam, or our allies will be met with a massive military response, a response both effective and overwhelming. Kim Jong-un should take heed of the United Nations Security Council's unified voice. All members unanimously agreed on the threat North Korea poses, and they remain unanimous in their commitment to the denuclearization of the Korean Peninsula. Because we are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have many options to do so. Thank you very much, ladies and gentlemen. उत्तर कोरिया का सहयोगी माने जाने वाले चीन ने भी उत्तर कोरिया की इस हरकत की निंदा की है। चीन के मुताबिक उसने उत्तर कोरिया के दूतावास को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। हालांकि चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने उत्तर कोरिया का साथ देने वाले देशों का आर्थिक और व्यापारिक बहिष्कार करने का आह्वान किया था। दक्षिण कोरिया के मुताबिक ये परमाणु पुंगयी री में किया गया जहां वो पहले भी परमाणु परीक्षण कर चुका है। दक्षिण कोरिया ने परीक्षण के असर से आए भूकंप की तीव्रता 5.7 बताई जबकि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने इसे 6.3 बताया। कहा जा रहा है कि ये परीक्षण पिछले परीक्षण से 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाइड्रोजन बम को परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि एक ही विस्फोट में किसी भी शहर को निस्तनाबूत कर दे। हाइड्रोजन बम तबाही का दूसरा नाम है। हंगरी अमेरिकन एडवर्ड टेलर ने जब इसे बनाया तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इस बम के बारे में। तबाही के इस मंजर को दुनिया आज भी नहीं भूली है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहरों को अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी के जख्म आज तक नहीं भरे। अमेरिका ने इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। करीब 2 लाख लोग मारे गए। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन बम होता तो तबाही 1000 गुना ज्यादा होती। ये बम पलक झपकते ही लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। इतना ही नहीं, इसका असर वहां पर सदियों तक बना रह सकता है। जो न्यूक्लियर का वो होता है वो चेन रिएक्शन पे काम करता है और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है फ्यूजन पे काम करता है और फ्यूजन के दौरान ये इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाती है एक ऑर्डिनरी न्यूक्लियर बॉम्ब से कंपेयर करा जाए तो इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं और इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये एक साथ बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स राइज हो जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जीव जंतु वनस्पति इमारतें सब कुछ विध्वंसकारी हो जाता है। आखिर हाइड्रोजन बम परमाणु बम से इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है? दरअसल नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन 2 अलग-अलग तरह की क्रियाएं हैं जिनसे भारी मात्रा में परमाणु ऊर्जा निकलती है। विखंडन की प्रक्रिया में जहां हर एटम 2 या उससे ज्यादा परमाणुओं में टूट जाता है वहीं परमाणुओं के जुड़ने की प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। इसमें भारी मात्रा में परमाणु ऊर्जा निकलती है। थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का जो इतिहास है विश्व में, परमाणु अगर हम इतिहास की बात करें तो ये हिरोशिमा नागासाकी के साथ शुरू होता है और इसको एटॉमिक वेपन कहते हैं और ये एटॉमिक पार्टिकल को स्प्लिट करते हैं, उसकी फिशन होती है यानी कि पार्टिकल को आप तोड़ते हैं उससे फिशन या एनर्जी बनता है। जब आप हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं उसमें फ्यूजन होता है यानी कि एटॉमिक सब पार्टिकल्स को हम जोड़ते हैं और उस फ्यूजन के प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी रिलीज होता है।
क्योंकि हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन एटम का फ्यूजन होता है, इसलिए इसे हाइड्रोजन बम कहते हैं। हाइड्रोजन एक्सप्लोजन के लिए दो स्टेज में ब्लास्ट जरूरी होता है। शुरुआती धमाके में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी परमाणु टूटते हैं। इससे एक्सरे निकलती है और इसकी वजह से दूसरा एक्सप्लोजन होता है। दूसरे विस्फोट में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का फ्यूजन होता है, जिससे हाइड्रोजन के दो आइसोटोप बनते हैं। दोनों आइसोटोप्स एक दूसरे को ढकेलते हैं, लेकिन एक्सरे इस ताकत को कई गुना कमजोर कर देती है। इससे दोनों आइसोटोप्स में फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन से कई गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसमें भयानक विस्फोट होता है। आइसोटोप्स के फ्यूजन से गर्मी और बेहद शक्तिशाली किरणें हैं, जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती हैं। आम तौर पे जो फ्यूजन वाला वेपन है या एक्सप्लोजन है, वो फिशन से कई गुना ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2016 में जब उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया था, वो अंडरग्राउंड था और उस वक्त रिक्टर स्केल के ऊपर उन्होंने करीब 5.3 का एक्सप्लोजिव इंटेंसिटी था। एक साल बाद सितंबर 3 संडे की बात है, उन्होंने रिक्टर स्केल पे 6.3 का एक्सप्लोजिव उनका इंटेंसिटी था। परमाणु बम की तुलना में फ्यूजन बम को बनाना कहीं ज्यादा जटिल होता है। सामान्य तापमान पर इसे बनाना नामुमकिन है। इसके लिए कम से कम 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। यही वजह है कि इसे थर्मोन्यूक्लियर हथियार कहते हैं। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना शक्तिशाली होता है। आकार में ये परमाणु बम से छोटा होता है, जिसकी वजह से इसे आसानी से मिसाइल में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक किसी भी युद्ध में हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1945 से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। 1952 में अमेरिका ने पहली बार हाइड्रोजन बम बनाया था। अमेरिका के अलावा रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के पास भी हाइड्रोजन बम हैं। उत्तर कोरिया अब तक कई बार परमाणु हथियारों का परीक्षण कर चुका है, लेकिन बीते साल उत्तर कोरिया ने पहली बार ये दावा किया था कि उसने हाइड्रोजन बम बनाने में सफलता हासिल कर ली है। और सितंबर 2017 में इसका परीक्षण कर उत्तर कोरिया ने दुनिया को सकते में डाल दिया है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी एशिया का देश उत्तर कोरिया हथियारों को लेकर बराबर चर्चा में रहता है। उत्तर कोरिया अपने रक्षा बजट पर बेशुमार धन खर्च करता है और सेना के मामले में वो इस वक्त दुनिया की चोटी के देशों में शुमार है। आइए देखते हैं क्या है उत्तर कोरिया की सैन्य और हथियारों की क्षमता। सेना का ये शक्ति प्रदर्शन उत्तर कोरिया की मजबूती का सबूत है। चीन, अमेरिका और भारत के बाद उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पास करीब 11 लाख सक्रिय और 77 लाख रिजर्व सेना है। उत्तर कोरिया की लगभग 40% आबादी सैन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अलग अलग एजेंसियों का दावा है कि उत्तर कोरिया अपनी GDP का लगभग 21% बजट रक्षा पर खर्च करता है। इसी मजबूत सेना और हथियारों के चलते उत्तर कोरिया ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार किया। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण के दावे के बाद पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हैं। बीते 2 साल में उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई परीक्षण किए। उत्तर कोरिया ने अब तक 6 परमाणु परीक्षण किए हैं और उसके पास कम और मध्यम दूरी के 20 आर्सेनल मौजूद हैं। 463 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उसकी शक्ति का नमूना है। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसके पास 35 लाख टैंक हैं, यानी हथियारों के मामले में उत्तर कोरिया अभी दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शुमार है। हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया ने 2003 में नाभिकीय अप्रसार संधि से खुद को अलग कर लिया था। दुनिया भर के बावजूद उत्तर कोरिया इस कदम से पीछे नहीं हटा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने करीब 2.5 दशक पहले ही उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के सामने उजागर किया था, लेकिन 2006 आते आते उत्तर कोरिया इस मंसूबे में कामयाब हो चुका था।
उत्तर कोरिया ने 1987 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और 1989 में जिनेवा प्रोटोकॉल पर सहमति जताई, लेकिन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद अमेरिका समेत कई देशों ने दावा करना शुरू किया कि उत्तर कोरिया के पास रासायनिक हथियार हैं। ये शक आज भी बरकरार है। 2009 में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के पास 2,500 से 5,000 टन के बीच रासायनिक हथियारों का जखीरा है। उत्तर कोरिया मोटे तौर पर इस वक्त पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, सीरिया, यूएई, वियतनाम और यमन को रक्षा सामग्री निर्यात करता है। उत्तर कोरिया 2006 से लेकर अब तक 6 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जगत अब ये मान चुका है कि उसके पास नाभिकीय हथियार हैं। लेकिन बीते साल जब उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम परीक्षण के दावे किए तो दुनिया के होश फाख्ता हो गए। जानकार मानते हैं कि उत्तर कोरिया ने 2 परीक्षणों में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया है। अगर उत्तर कोरिया यूरेनियम के इस्तेमाल का दावा करता है तो उसकी सैन्य शक्ति के लिहाज से ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप में इस आशंका से ही शांति और स्थिरता खतरे में पड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन उत्तर कोरिया ने कई बार संयुक्त राष्ट्र के फैसले को धता बताते हुए ये परीक्षण किए। इसके चलते उस पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन कोरिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 2006 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें लग्जरी वस्तुओं, मिसाइल और परमाणु तकनीक के निर्यात पर रोक शामिल थी। लेकिन उत्तर कोरिया ने इसकी परवाह किए बगैर 2009 में फिर से परमाणु परीक्षण किया। नतीजतन कोरिया के खिलाफ फिर से प्रतिबंध लगे। लेकिन 12 फरवरी 2013 को जब उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने शक्तिशाली परमाणु बम बना लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत ने तीखा रुख दिखाया। संयुक्त राष्ट्र में जब उत्तर कोरिया की बैंकिंग, ट्रैवल और व्यापार पर प्रतिबंध का प्रस्ताव आया तो उसे निर्विरोध मंजूरी मिली। इसी मसले पर सहयोगी चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया। इसके बाद 2016 में जब हाइड्रोजन बम बनाने का दावा किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय जगत ने तीखी प्रतिक्रिया जताई और एक बार फिर उत्तर कोरिया को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। बीते 2 साल से उत्तर कोरिया ने कई प्रक्षेपण किए। बम के अलावा उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी दागी। इसके बाद उस पर कई प्रतिबंध भी लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। परमाणु हथियारों के विकास ने दुनिया के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 15,000 परमाणु वॉरहेड हैं और इनमें सबसे ज्यादा 7,000 रूस के पास और करीब 6,800 अमेरिका के पास हैं। लेकिन दुनिया में कई दूसरे बड़े बम हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न न होते हुए भी भारी तबाही फैलाने में सक्षम हैं। एक नज़र डालते हैं दुनिया में घातक बमों पर। प्राचीन काल से ही सुरक्षा मनुष्य की बड़ी चिंता रही है। शुरुआत में इंसान को जानवरों से सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत पड़ी और फिर जानवरों का शिकार करने के लिए। वक्त के साथ जब मनुष्य ने बड़े समूहों में रहना शुरू किया तो हथियार प्रभुत्व जमाने का जरिया बनते गए। इसके बाद शुरू हुई बड़े और मारक हथियार बनाने की होड़। शुरुआत में इंसान ने पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, फिर हथियारों का सफर भाले, तीर, कमान और तलवार तक पहुंचा। लेकिन बारूद की खोज ने हथियारों के स्वरूप और युद्ध के तौर तरीकों को ही बदल दिया। हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंक विरोधी ऑपरेशन के दौरान GBU-43B बम गिराया था। मदर ऑफ ऑल बम्स नाम से मशहूर ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है। इसका 2003 में परीक्षण किया गया था। इसका वजन 9,797 किलो है। इसको GPS की मदद से तयशुदा निशाने पर गिराया जाता है। जमीन पर गिरने से ठीक पहले यह फटता है और एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। यह बम 200 फुट गहराई तक जा सकता है और 60 फीट तक कंक्रीट तोड़ सकता है। बड़े बम बनाने में रूस भी पीछे नहीं है। रूस का दावा है कि उसके पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, एविएशन थर्मोबैरिक बम ऑफ इंक्रीज्ड पावर यानी ATBIP, एक तरह से फ्यूल एरर बम है। 7,100 किलो वजनी ये बम 40 टन TNT का धमाका करता है। ATBIP अमेरिका के GBU-43B के मुकाबले दोगुना तापमान पैदा करता है।
रूस का दावा है कि इस बम के धमाके की चपेट में आकर हर जीवित चीज भाप बनकर उड़ जाएगी। अमेरिका का डेजी कटर बम यानी BLU 82BC-130 वेपन सिस्टम खतरनाक हथियारों की श्रेणी में बड़ा नाम है। कमांडो वॉल्ट प्रोग्राम के तहत तैयार इस विनाशक बम का अमेरिका ने अफगानिस्तान और वियतनाम में इस्तेमाल किया। करीब 6800 किलोग्राम का ये बम जहां गिरता है वहां पूरे इलाके को समतल कर देता है। अमेरिका के ही GBU-28 हार्ड टारगेट पेनिट्रेटर भी कम विध्वंसक नहीं है। 2300 किलो वजनी GBU-28 बंकर बस्टर बम है। ये 6 मीटर मोटी कंक्रीट में सुराख कर सकते हैं। अमेरिका के अलावा ये इसराइल और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के पास भी हैं। जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और अब जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं दुनिया में परमाणु हथियारों के इतिहास पर। देखते हैं दुनिया ने कैसे इन हथियारों को विकसित किया, उनकी क्या जरूरत थी और इस बीच दुनिया को हथियारों से मुक्त करने की कौन कौन सी पहल हुई है। नमस्कार। ये अगस्त 1942 की बात है। अमेरिका के मैनहट्टन में तेजी से गुप्त मिशन पर काम चल रहा था। करीब 130,000 लोग इस मिशन पर लगे हुए थे। करीब 3 साल की मेहनत और आज के हिसाब से $25 बिलियन के खर्चे के बाद 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ये दुनिया का भी पहला परमाणु परीक्षण था। न्यू मैक्सिको में हुए इस परीक्षण का कोड नाम था ट्रिनिटी। परीक्षण के ठीक 21 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर यह बम कहर बनकर गिरा। 1 महीने के भीतर करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। लेकिन अमेरिका नहीं रुका। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में भी इस बम ने मानव इतिहास की एक और भीषण त्रासदी की इबारत लिखी। इस बार 75,000 लोग देखते ही देखते मारे गए। 24 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का संकल्प लिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने कजाकिस्तान में पहली चिंगारी के कोड नाम से अपना परमाणु परीक्षण किया। 3 अक्टूबर 1952 को ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के मोंटेबेलो में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उधर अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1 नवंबर 1952 को हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दिया। 17 फरवरी 1958 को यूके डिसआर्ममेंट कैंपेन की शुरुआत हुई। 1 दिसंबर 1959 में अंटार्कटिका संधि के जरिए अंटार्कटिका क्षेत्र में न्यूक्लियर टेस्ट बैन कर दिया गया। इसके बावजूद हथियारों की होड़ कम नहीं हुई। 13 फरवरी 1960 को फ्रांस ने भी सहारा रेगिस्तान में अपना परमाणु परीक्षण किया। 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने अब तक का सबसे बड़ा बम परीक्षण किया। 5 अगस्त 1963 को पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी सामने आई, जिसमें हवा, स्पेस और पानी के भीतर परीक्षण पर रोक लगा दी गई। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने भी सिंकियांग में अपना परमाणु परीक्षण कर दिया। 1968 में हस्ताक्षर होने के बाद 1970 में परमाणु अप्रसार संधि की घोषणा हुई, लेकिन दुनिया के देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षण जारी रखे। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा के कोड नाम से अपना परमाणु परीक्षण किया। 22 सितंबर 1979 में दक्षिणी हिंद महासागर में परमाणु धमाका हुआ। माना जाता है कि इजराइल की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने यह धमाका किया। इस बीच दुनिया में हथियारों के खिलाफ लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा था। 12 जून 1982 को न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में 10 लाख से ज्यादा लोग परमाणु हथियारों के खिलाफ इकट्ठा हुए। 6 अगस्त 1985 को दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर हुए। कुक आइसलैंड में हुई इस संधि से दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र को परमाणु मुक्त घोषित किया गया। 30 सितंबर 1986 को इसराइल के परमाणु कार्यक्रम का खुलासा हुआ। संडे टाइम्स अखबार ने खबर छापकर वहां 200 परमाणु हथियार होने का दावा किया। 8 दिसंबर 1987 को सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हथियार सीमित करने की संधि हुई। संधि के जरिए मध्यम दूरी की मिसाइलें खत्म करने पर सहमत हुई। इस बीच कई देश NPT से जुड़ते गए। 10 जुलाई 1991 को दक्षिण अफ्रीका ने NPT में शामिल होने की घोषणा की। उसने अपने सभी परमाणु हथियार नष्ट करने का दावा किया। 15 सितंबर 1995 को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने परमाणु मुक्त होने की घोषणा की। इसमें बर्मा से फिलीपींस, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया शामिल हैं। इसके बाद 11 अप्रैल 1996 को
अफ्रीका के 43 देशों ने मिस्र के पेलिंडामा संधि पर हस्ताक्षर कर खुद को परमाणु मुक्त घोषित किया। 1 जून 1996 को यूक्रेन ने खुद को परमाणु मुक्त होने की घोषणा की। 8 जुलाई 1996 को परमाणु हथियारों को गैर कानूनी घोषित किया। 24 सितंबर 1996 को कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए। भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 27 नवंबर 1996 को बेलारूस भी परमाणु मुक्त हुआ। मई 1998 में भारत ने एक और परीक्षण किया। इसी साल पाकिस्तान ने भी परीक्षण का दावा किया। इसके बाद कुछ सालों की शांति रही, लेकिन 2003 में उत्तर कोरिया ने NPT से बाहर आने का ऐलान कर चिंताएं बढ़ा दी। 9 अक्टूबर 2006 को उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण का दावा किया। इसकी दुनिया भर में निंदा हुई। 30 अप्रैल 2007 को ऑस्ट्रेलिया में परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हुई। हथियारों की होड़ से मानव जाति को बचाने के लिए साल 2010 के बाद कई कोशिश तेज हुई। मार्च 2013 में नॉर्वे ने पहला मानवीय सम्मेलन आयोजित किया। फरवरी 2014 में मेक्सिको में हुए सम्मेलन में भी हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग दोहराई गई। यही मांग ऑस्ट्रेलिया में भी दोहराई गई। 7 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्य देशों ने संधि के पक्ष में वोट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।